हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग राठौर ट्रॉफी ब्लॉग्स। और आज सुबह के 7 बजे है और यह मौसम कितना बहुत अच्छा हो रहा है। आप देख, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। अभी मैं आया हूँ मेरे घर के टेरेस पर, देख ही सकते हो। और अभी सुबह के 7 बजे है और मैं इतने जल्दी उठ गया और क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करना था और आपके लिए अच्छा ब्लॉग लेके आना था, तो वीडियो को एंजॉय करना। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज दिखाने जा रहा हूँ हमारा घर कैसा है, हमारे घर में क्या क्या है वो सब दिखाने वाला हूँ और हमारा घर कहाँ पर है सब। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और नोटिफिकेशन को ऑल करना मत भूलना। वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, आप देख सकते हो हमारा वीडियो कैसा है। तो दोस्तों हम मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ वो हमारा नया घर है और मैं आपको दिखाने वाला हमारा पुराना घर जो हमने 8 साल पहले हमने छोड़ा था वो घर। तो अभी वो 8 साल पहला घर अभी कैसा लग आपको दिखाता हूँ मैं कैसा है। दोस्तों मैंने कहा था सुबह मॉर्निंग में कहा था कि आज हम देखने वाले हमारा पुराना घर का व्लॉग, तो उससे पहले हमें दिखाना चाहता हूँ हमारा वो नया घर कैसा दिखता हूँ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसका वीडियो एक अलग बनाऊंगा, इसका टूर भी मैं आपको बनाऊंगा वो बाद में। आज हम देखते हैं हमारा पुराना घर कैसा है, ठीक है? देखते चलो चलो। ये हमारा वो मंदिर बोल रहे हैं ना गुजराती में, वो मठ बोलते हैं। ये मठ का है सब, अभी लिया है, नया लिया है। ये भी रांदल माँ है। ये हमारा जूना घर की तरफ हम जा रहे हैं, पुराने घर की तरफ। ये हमारे मठ का, तो हम आ चुके हमारे घर की तरफ, आ चुके पुराने घर की तरफ। तो हमारे पुराने घर के सामने ये मंदिर है छोटा सा, वो ये हमारे इसको हम अखंड दीवा बोलते हैं। अखंड दीवा इसलिए बोलते हैं कि ये कभी 2400 घंटे चालू रहता है, ये कभी बंद नहीं होता, बुझता नहीं। ये हमारे माता जी हैं। इसे हम दावरी में बोलते हैं। बहुत ही एक और भी है वो आपको दिखाता हूँ।
थोड़ी देर में। तो चलो चलो, तो हम जा रहे हैं हम दूसरे मंदिर के तरफ, यहाँ से वापस जाना है। देखो ये हमारा दूसरा मंदिर है, अभी बंद है। शाम को 6 बजे पूजा होती है और सुबह 7 बजे पूजा होती है। ये हमारा मंदिर है, ये देखो ये वो घर है ना, वो भी हमने मंदिर में ले लिया है। ये सब हमने मंदिर में ले लिया, देख सकते हो। और दूसरे माता जी है, उसका नाम हम रांदल में बोलते हैं, आप सब जानती होगी दोस्तों, वो यहाँ पर। हमारे घर में किसी के घर में, हमारे कुटुंब में किसी के परिवार में कोई भी गाय या भैंस का बछड़े को जन्म देती है तो हम इसको यहाँ घुमा के चोखा करते हैं। देख लिया दोस्तों आपने ये तरफ। दोस्तों हमारा घर बहुत पुराना है, आप देख ही सकते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा दिखता है। ये रहा, ये नहीं, ये रहा यहाँ पर हम वो मटका और सब पानी के ना रखते थे नीचे। ये सब देखो देखा। तो हमारा ये पूरा नगर आपने देख ही लिया होगा, कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। और आप मैंने जो वीडियो में शुरुआत में आपको दिखाया था वो हमारा नया घर है। ये हमारा 10 साल, हम 10 साल से वहां रह रहे हैं, 8 साल से, इससे पहले हम यहाँ रह रहे थे। इतने से रूम में हम कितने लोग सोते थे पता आपको, मैं, मेरे पापा, मम्मी, मेरा भाई और मैं। मेरी बड़ी दीदी तो मेरे मामा के घर बड़ी हुई है तो इसलिए वो यहाँ नहीं रही है। देख लिया आपने ये हमारा छोटा सा पहले घर था। तो दोस्तों हम अब मैं दिखाना जा रहा हूँ मेरे अंकल का घर, चलो देख। वही इतना ही बड़ा है, इतना ही छोटा है। ये देखो हम पहले ही ऐसी जगह रहे थे। देखा ये मेरे छोटे भाई की, मेरे मतलब कि मेरे अंकल के लड़के की साइकिल है। मेरा छोटा भाई अभी कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई,
मैं शादी का व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं तभी मेरा चैनल नहीं था, अभी स्टार्ट किया है, तो आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। जब हम यहाँ पर रहते थे तो क्योंकि मैं तो छोटा था, तो 2001 में एक कश्ती कब आया था, भूकंप आया था, तो मैं तब एक दो साल का था। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि ये सब गिरने वाला था, तो वो बच गए। तो हम कैसी कैसे हमारे लिए खाने के कोई पैसे 10 रुपये, हम पूरा एक महीना चलाते थे। तो अभी ऐसी परिस्थिति पहले थी और हमारी दादी भी ऐसी थी, थोड़ी टेढ़ी थी, तो आप समझ सकते हो। तो बस यही बताना था आपके लिए, आपको शेयर करना था, तो मैंने ये बता दिया आप। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ हम जहाँ हमारी मम्मी रसोई बनाती थी। चलो देख, ये खुल भी नहीं रहा, सब ऐसा हो गया। देखो ये, देखो ये, यहाँ पर हमारी मम्मी रसोई बनाती, ये छोटी सी जगह में दो लोग रसोई, मेरे अंकल, मेरे काकी और मेरे मम्मी दोनों रसोई। एक दूसरा है रसोई बनने का, ये मेरा दादी का घर है, मेरे दादी अभी एक्सपायर हो गई, तो अभी बंद पड़ा है 2 साल पहले, मेरे दादा भी एक्सपायर हो गए। ये अभी पहले हम यहाँ पर रहते थे, मेरे दादी उसको अभी नहीं रांधते, अभी नहीं खाना बनाती, क्योंकि अभी इसको मेरे दादी बीमार पड़ी थी, तब मेरी दादी के लिए उसको वॉशरूम बनाना पड़ा था, क्योंकि वो उसकी उम्र भी, मेरी दादी की उम्र हो गई थी, इसके लिए ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। पर पहले कहाँ पर रहते थे, कैसी जगह थी, आपको दिखाना है कहाँ से कहाँ तक आए, इसलिए। तो बस ये छोटी सी, पहले हम ये छोटी सी जगह पर रहते थे, अभी तो हम अच्छे घर में रहे थे। दोस्तों कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके, और आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे।